जिंदगी एक किताब की तरह है, जिंदगी एक किताब की तरह है जिसे हम पढ़ नहीं सकते। जिंदगी एक किताब की तरह है जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं कि अगले पन्ने पर क्या है, और जो पीछे पन्ने पर लिखा होता है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं अपनी कहानी हम स्वयं लिखें और उस लिखने के पहल को हम अपने परिश्रम की स्याही से लिखें, क्योंकि कहा जाता है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, सफलता की चाबी परिश्रम में है। तो क्यों नहीं इस चाबी से हम अपने भाग्य को खोलते हैं, क्यों नहीं हम अपने हॉबी पर इतना वर्क करते हैं कि वो हमारे कैरियर के रूप में आ जाए, क्यों नहीं हम अपनी कहानी लिखने के लिए एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि ना हम सिर्फ अपना विकास करें बल्कि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान लाएं। और जब परिवार के प्रत्येक चेहरे पर मुस्कान आएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश के भी चेहरे पर मुस्कान आए। तो क्यों नहीं हम इस रहस्य की चाबी परिश्रम पर वर्क करें, हम दिन रात मेहनत करें अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और जिस दिन हम अपने लक्ष्य को पाए उस दिन एक नया लक्ष्य बनाए कि हाँ हमें अब इस मुकाम पे जाना है। कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपने विकास की गति को रोकिए ना, बल्कि उसे और आगे बढ़ाइए, क्योंकि वह तो आपका प्रेरणा है कि आप अपने परिश्रम से उस लक्ष्य को प्राप्त किए। तो दोस्तों, आप अपनी कहानी लिखने के लिए ये ना सोचिए कि आपका बस मुकाम इस लक्ष्य तक ही है। इस कहानी में अगला चैप्टर अवश्य ही अलग-अलग लक्ष्य के रूप में होना चाहिए। इसे कहते हैं कहानी। कहानी का अंत बस एक लक्ष्य की पूर्ति तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब तक जीवन है तब तक आपको अपने कहानी लिखना है। और यह कहानी संघर्ष के साथ होता है, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष है तो हमारा जीवन है। तो आइए दोस्तों, और अपनी कहानी लिखने के लिए हम सभी एक ऐसे क्रमबद्ध लक्ष्य को बनाएं कि हम सभी लक्ष्यों को पाने के लिए अपने परिश्रम के रहस्य को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।